आंखों में काजल, माथे पे तिलक, कंधे पे काला गमछा, कभी लंबे बाल कभी छोटे बाल और हाथ में चिलम का सामान। एक नज़र में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी छोटे बच्चे ने ही जोग ले लिया हो। भोलेनाथ का परम भक्त हर काम करने से पहले महाकाल की पूजा करना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाया, देखने में जितना मासूम इरादे उतने ही खतरनाक। 16 साल की उम्र में ही मध्य प्रदेश के हर जगह उसकी खबरें थी। वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि उसके द्वारा की गई हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, इन विशेष काम के लिए जाना गया। जिसने महज 2 साल में जुर्म की दुनिया में वो नाम कमाया होगा जो आज तक कोई नहीं कमा सका। जब आम बच्चे 16 साल की उम्र में अपने जीवन को एक अच्छी राह देते हैं, वही दुर्लभ ने अपने जीवन का मार्ग गलत दिशा में ही ले लिया। एक ऐसा अपराधी जिसने सोशल मीडिया को अपनी दुकान बनाया और अपने फेसबुक पेज पे अपने बायोडाटा में वह खुले तौर पर लिखता कि हमारे यहाँ हत्या, रंगदारी, हर तरह के मसलों का निपटारा किया जाता है। दुर्लभ की मौत भी ठीक उसी प्रकार हुई जैसे वो लोगों की हत्या करता था। किसी ने खूब कहा है कि जुर्म की कोई उम्र, कोई सीमा या कोई स्कूल नहीं होता। आज दुर्लभ कश्यप के बारे में जानकर आपको भी ऐसा ही लगेगा। 8 नवंबर सन 2000 में एक बिजनेस कारोबारी पिता और सरकारी टीचर माँ के यहाँ किलकारियाँ गूंज उठी और जन्म हुआ एक लड़के का पिता ने नाम रखा दुर्लभ। पिता का मानना था कि बड़े होकर उनका बेटा एक अच्छा और सबसे हटके कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने बड़े काम किए लेकिन जो उसे अपराध की दुनिया की तरफ ले गए और इसकी शुरुआत स्कूल से हुई। स्कूल समय से ही दुर्लभ अपने से सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल में उसका दबदबा बन गया। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि इसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना रोल मॉडल मानने लगे। धीरे धीरे कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने को तैयार रहते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उसकी गैंग में भर्ती के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर आने लगे थे। धीरे धीरे दुर्लभ अपने काम और अपनी गैंग की बदौलत एमपी के ज़्यादातर शहरों में अपने नाम का खौफ पैदा कर चुका था। 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। महज 18 साल की उम्र तक पहुँचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कश्यप ने अपने फेसबुक के अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि वह कुविख्यात बदमाश है, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो और उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। जैसे ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। यह पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उसने उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सजीन अतुलकर ने उसको बोला था कि कश्यप, तूने कम उम्र में ज़्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई।
पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी माँ के पास उज्जैन वापस चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ की माँ ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। यहाँ पर दूसरी गैंग के शाहनवाज, शादाब, इरफान, राजा, रमीश और उनके कई साथी भी उसी दुकान पर पहुँचे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शाहनवाज से दुर्लभ की कहा सुनी हो गई। फिर क्या था, शाहनवाज और उसके साथियों ने चाकुओं से कश्यप के ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ ने अपने ऊपर हुए इस हमले का जवाब शाहनवाज पर गोली चला के दिया, जो उसके कंधे पर लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद शाहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शाहनवाज के साथियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला भूरा कह रहा था कि शादाब भाई इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकू से गोंदा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन की नींद खुल गई। हर चैनल पर बस कश्यप की खबरें चलने लगी थी। वो माँ जिसने कुछ समय पहले ही अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी ही देर बाद उसी बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी माँ पद्मा ने ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते हैं कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराध के उस रास्ते पर ना जाए। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी की भी जेल में मौत हो गई। वो छत पर चढ़ा और वहां से औंधे मुए नीचे कूद गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। उपचार के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। 2 साल पहले दुर्लभ कश्यप ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया था। उसे बकायदा इसके लिए रेट तक तय कर दिए थे। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में उस समय इस नई गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि कम उम्र के थे। इनमें कुछ नाबालिग भी थे। गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के मामले में केस दर्ज हुआ था। दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस था कि वह कुविख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट, धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्ट भी डाली जाती थी। गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए भी एक टीम बना रखी थी, जो दहशत फैलाने वाली पोस्ट करते थे। इस आईडी से जेल में बंद लोगों की भी फोटो पोस्ट की गई थी। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग अवस्था में ही अपराध की दुनिया में अपने पैर आगे बढ़ा चुका था, और वो न केवल अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित हुआ, बल्कि उसने नए हम उम्र के लड़कों की लाइन तैयार की, जो उसके फॉलोअर बन गए। और इसको फॉलो करने में इसका मुख्य साधन था सोशल मीडिया। फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए वो सबसे ज़्यादा फेसबुक पर एक्टिव था। कई बार उसने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और उसी के माध्यम से अपने लड़कों को मूवमेंट करवाना, कई जगह पर जाना, विवाद में शामिल होना, नशा करना, इस प्रकार की उसके लिए आम बातें हो गई थी। धन्यवाद।